ओके, तो आई थिंक आपके माइंड में यह सवाल बहुत दिन से चल रहा हो कि भाई आखिर ब्रॉक लेसनर ब्रे वाइट के साथ मैच रेसल करने के लिए रेसलमेनिया के अंदर आखिर क्यों मना, क्योंकि भाई ब्रे वाइट तो ऑलरेडी हम सारे लोगों को पता है ऑलमोस्ट तो कहीं ना कहीं बेहतरीन रेसलर, पर रिसेंट टाइम में इसके बारे में एग्जैक्ट रिपोर्ट भी निकलकर सामने आ चुका है। साथ ही साथ हमारे ट्रैवल चिप रोमर एज एक न्यू बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है रेसलमेनिया के अंदर, तो भाई उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट है आज की इस वीडियो का। तो भाई अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में। तो अगर मैं आपको अप्रोक्स अगर व्यूअरशिप बताऊं तो वो करीब निकल कर सामने आया था 2.21 मिलियन। वैसे अगर उससे पिछले वीक का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप बताऊं तो 2.2 मिलियन के करीब आया था, इस बार 2.21 मिलियन आया, तो भाई अप्रोक्स दोनों सेम ही है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कल का स्मैकडाउन देखने के बाद ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं हो कि रेसलमेनिया का एक वीक पहले का स्मैकडाउन का शो, पर भाई रिकॉर्ड के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि भाई कल का स्मैकडाउन का शो जो है दो दो रिकॉर्ड बनाया डब्ल्यूडब्ल्यू के। तो सबसे पहला रिकॉर्ड यह बना कि कल का स्मैकडाउन का शो जहां से होता आई थिंक लॉस वेगस से हुआ था, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इनकम करने वाला कल का स्मैकडाउन का शो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने पूरे हिस्ट्री के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट से भी यहाँ इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए थे जितना कल का स्मैकडाउन के ऊपर उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ। वैसे एग्जैक्ट ये फिगर नहीं निकल कर सामने, पर आप लोग समझ सकते हो कितना रेवेन्यू स्मैकडाउन वालों ने जनरेट किया होगा कल के शो के ऊपर। साथ ही साथ कल के स्मैकडाउन के ऊपर रे मिस्टर और डोमिनिक मिस्टर दोनों का जो ब्रेकअप वाला वीडियो था वो सिर्फ 12 घंटे के अंदर अप्रोक्स 16 मिलियन व्यू पूरा सोशल मीडिया के ऊपर कलेक्ट कर लिया। तो भाई आप समझ सकते हो कल का स्मैकडाउन का शो खास ना होते हुए कितना सारा रिकॉर्ड बना दिया कल का स्मैकडाउन का शो। वैसे मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर नेक्स्ट वीक कुछ और भी अगर इन दोनों का फाइट अगर दिखा दे तो ज्यादा मजा देखने में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने द डेडमैन अंडरटेकर के बारे में। तो भाई आज हमारे लेजेंड द डेडमैन अंडरटेकर का आज बर्थडे है, तो मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे अंडरटेकर सबसे पहले। और आई थिंक मैंने कल के वीडियो के अंदर ट्रिब्यूट टू अंडरटेकर करके मैंने एक वीडियो भी बनाया था शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, तो आप लोग चाहें तो जाकर सारे लोग देख भी सकते हैं, मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं आज के दिन वो वीडियो एक्चुअली अपलोड करता। वैसे अंडरटेकर जैसा लेजेंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमें फिर से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, वो चीज ऑलरेडी मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको समझा। आप लोग सारे लोग जाकर कमेंट सेक्शन के अंदर हैप्पी बर्थडे अंडरटेकर सारे लोग विश जरूर से कीजिएगा सारे के सारे लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा रेसलमेनिया के अंदर होने वाला था ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिंड का मैच। अगर आपको याद होगा तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं उसी समय भड़का भी था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आखिर क्यों ये बकवास सा मैच कर रही, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूं इस मैच। और उसके एग्जैक्टली कुछ दिन बाद ये मैच कैंसिल भी हो चुका था, पर किसी को ये बात नहीं पता था कि रेसलमेनिया के अंदर ये मैच आखिर कैंसिल क्यों हुआ। तो रिसेंट टाइम में इसके बारे में रिपोर्ट निकल कर सामने, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ब्रॉक लेसनर इस मैच को एक्चुअली इसीलिए कैंसिल किया क्योंकि उनको ऐसे कार्टून लग रहा था ब्रे वाइट के साथ अगर मैच के अंदर वो रेसल करते। और मैं भी जस्ट उस वीडियो के अंदर इसी बात को बताते कि भाई ब्रे वाइट का कैरेक्टर कुछ भूतिया वाला है, ब्रॉक लेसनर बीस्ट है, भाई इन दोनों का मैच हो ही नहीं सकता डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। वैसे जो भी हुआ ब्रॉक लेसनर ये मैच को कैंसिल कर दिया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया क्योंकि भाई ये बकवास सा मैच हमें देखने को मिल रहा है रेसलमेनिया। आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता चल गया होगा रेसलमेनिया के अंदर ये मैच कैंसिल क्यों हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं ब्रे वाइट के बारे में कोई भी रिसेंट टाइम अपडेट नहीं निकल कर सामने, रेसलमेनिया के अंदर आने वाले या फिर नहीं आने वाले। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 का स्टेज के बारे में। आप लोग सारे लोग बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मेरे से भाई स्टेज का फोटो वगैरह दिखाओ, तो रिसेंट टाइम में बहुत सारा फोटो वगैरह निकल कर सामने। वैसे अगर आपको अगर देखना है तो भाई 3 से 4 दिन वेट कर लो, पूरा आपको स्टेज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डैमेज कंट्रोल वर्सेस बैकी लिंच का टीम का जो हो रहा है ट्रिपल थ्रेड मैच रेसलमेनिया के अंदर उसके बारे में। तो रिसेंट टाइम में इसके बारे में अपडेट निकल कर सामने है, साथ से आपको ये मैच रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ वुमेन्स का भी जो फेटल फोर वे मैच होने वाला है रेसलमेनिया के आपको फर्स्ट नाइट के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम में इसका बहुत हाई चांसेस बताया जा रहा है कि जो भी फेटल फोर वे मैच के अंदर जो भी टीम विन करेगा सेकंड नाइट के ऊपर वो बैकी लिंच की टीम को एक्चुअली टैग टीम में फेस करेगा। तो आपको मे भी रेसलमेनिया के सेकंड नाइट के ऊपर बैकी लिंच लिटा वर्सेस रोंडा रोजी सेना वेजरर का आपको टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो भाई रेसलमेनिया जैसा बड़ा शो हो रहा है उसके अंदर टैग टीम चैंपियनशिप अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर नहीं डिफेंड करवाएंगे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर कभी भी नहीं हुआ तो भाई कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो आपको शायद से मैच रेसलमेनिया के सेकंड नाइट के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, बैकी लिंच का ट्रिपल थर्ड मैच आपको रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में, जो कि बहुत बड़ा रिसेंट टाइम में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है रेसलमेनिया के अंदर। तो आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता हो कि रोमन रेंज पिछले आई थिंक 2 या 3 साल से पिन नहीं हुए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, लास्ट टाइम इनको जो पिन किया था वो बैरन कॉर्बिन पिन किया। और भाई रिसेंट टाइम में इनके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली 1200 दिन से पिन नहीं हुए रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। ये 1200 दिन रेसलमेनिया के अराउंड पूरा होने वाला जो कि एक वीक जस्ट होने ही वाला रेसलमेनिया, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब अगर कोडी रोड्स अगर रेसलमेनिया के अंदर अगर रोमन रेंज को अगर पिन कर देते तो भाई 1200 दिन बाद कोई बंदा ऐसा रहेगा जो कि रोमन रेंज को पिन करेगा डब्ल्यूडब्ल्यू। आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर पिछले 20 साल में ऐसा कोई रेसलर मेरे ख्याल से हुआ नहीं जो कि 1200 दिन से एक भी दिन में पिन नहीं। अगर आप लोग इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अप्रोक्स 3.5 साल के अप्रोक्स होगा। वैसे भाई रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज एक्चुअली हारने ही वाले क्योंकि रिसेंट में जो बैटिंग ऑड्स निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग रोमन रेंज और भी ज्यादा पीछे जा चुके हैं जीतने का चांसेस, मतलब आप समझ सकते हो कोडी रोड्स इस बार का रेसलमेनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, मतलब किलर हरा देने वाला रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज। वैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे यूट्यूबर इस बात को कवर भी कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, सारे लोगों का भी यही कहना है कि रोमन रेंज हारने वाला रेसलमेनिया के अंदर, मैं ऑलरेडी काफी टाइम पहले इस बात को बोल चुका था। और भाई इंडिया का जो ऑडियंस और नेक्स्ट लेवल का, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी सवाल पूछ लो सिर्फ और सिर्फ विनर उसका रोमन रेंज ही होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बेस्ट रेसलर कौन है रोमन रेंज, डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर कौन है रोमन रेंज, डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर कौन है रोमन रेंज, डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे बेस्ट फिनिशर कौन सा रेसलर का है रोमन रेंज। मतलब यार मैं मानता हूँ रोमन रेंज बहुत अच्छा रेसलर, मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ यार, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंज ही सारा चीज है। मैं आपको ऑलरेडी कई
बार बता चुका था कि अगर आप इनका पूरा कैरियर देखो तो भाई दो ढाई साल इनका बहुत अच्छा चला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उससे पहले बहुत सारे लोग एक्चुअल में हेट करते थे रोमन रेंज, और आप कभी भी रोमन रेंज को अभी के टाइम पे ग्रेटेस्ट रेसलर और ऑल टाइम आप नहीं कह सकते। जॉन सिना इंटरव्यू के अंदर कहें इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सिना जो कह दिए वो खुद हो गया। यार जॉन सिना खुद ग्रेटेस्ट रेसलर और ऑल टाइम नहीं है, और जॉन सिना अगर बोल दिए तो मतलब आप लोग सारे लोग मान जाओगे हाँ रोमन रेंज ग्रेटेस्ट रेसलर और ऑल टाइम है। देखो अगर मुझे भी यूट्यूब पर आकर मोटा मोटा अगर मुझे पैसा छापना होता तो भाई मैं भी रोमन रेंज का भर भर का तारीफ करता, पर भाई एक्चुअली मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे हजारों लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा चुके हैं गाली देकर कि तुम रोमन रेंज का बुराई करते हो इसलिए मैं तुम्हारा चैनल को नहीं देखूंगा। तो यार मेरा मेन मोटिव वो नहीं, मेरा मेन मोटिव है आपको बताना कौन सा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ज्यादा अच्छा है, कौन सा रेसलर उससे डाउन। भाई आप गूगल पर जाकर खुद से ही टाइप कर लो ग्रेटेस्ट रेसलर और ऑल टाइम कौन है, भाई आपको स्टोन कोल्ड का नाम देखने को मिलेगा, अंडरटेकर या फिर रिक फ्लेयर का आपको नाम देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जो साइट बताएगी वो स्टोन कोल्ड का ही नाम बताएगा। और भाई रोमन रेंज तो टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं, टॉप 20 के लिस्ट में इनफैक्ट नहीं। भाई मैं जितने भी वीडियो के अंदर मैंने रोमन रेंज को अगर डाउन दिखाएगा रोमन रेंज के अगेंस्ट मैंने बोला तो भाई सारा चीज एक्चुअल वैलिड पॉइंट। आप मेरा जाकर कोई भी वीडियो उठा लो, वीडियो के अंदर जो भी मैं गलत बोला आप सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ तुमने ये लाइन गलत। यार रोमन रेंज एक रेसलर कोई भगवान नहीं, देखो मैं भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा भी सबसे फेवरेट रेसलर यही है, पर यार मतलब ये नहीं कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बेस्ट रेसलर है, रोमन रेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं था। आई होप आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे इस बात। देखो यार मैं खुद से बता रहा हूं अगर मुझे अगर पैसा कमाना रहता तो मैं रोमन रेंज के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात बता सकता था, मैं पैसा कमा सकता था, पर मुझे मेन मोटिव मेरा वो है ही। आई होप आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे मेरे बात को। अगर आपको और भी कोई बात करना तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जितने लोग चैनल पर नहीं हो सबके साथ। और जिन लोग को ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत पॉइंट बताया रोमन रेंज के बारे में, मैंने कुछ गलत पॉइंट बोला है, तो भाई सारे लोग कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ।